पहले पूछना, स्क्रीन आपको नजर आ रही है क्या? आप ठीक है, शुरू हो गया बच्चा? नहीं बिगड़ रहा यहीं पे रख चुके मैं फिर इधर आ जाएगा। बच्चे बहुत टाइम देते हैं। क्लास का टाइम 7:50 से नहीं है। और बात की नहीं है। 5 मिनट हो गए क्या? चल 9 o'clock है ना, इसलिए टाइम करा दी। सुबह सुबह लगता है बच्चे उठने में।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फातिमा बेटा, आपकी क्लास का टाइम क्या है बेटा? 8 o'clock। तो आप उसको 7:55 समझा करें ताकि वे एग्जैक्ट 8 o'clock ज्वाइन कर लें। ओके मिस। आप ही तो एक रेगुलर स्टूडेंट है मेरे पास। ओके मिस। अच्छा चलें सभी स्टार्ट करते हैं। जी मोहम्मद हसन भी आ गए। हसन आर यू देयर? यस मैम। जी कैन यू सी द स्क्रीन बोथ ऑफ यू? यस मैम। जी टुडे वी विल स्टडी डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। फातिमा कैन यू सी द स्क्रीन? यस मिस। जी जी दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। के किडनीज जो हैं अगर वो खराब हो जाएं, काम करना छोड़ दें, या समटाइम्स काम कर तो रही हैं बट उतना एफिशिएंटली काम ना कर रही हूँ तो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, उसके जो नेफ्रॉन्स हैं अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि किडनी के हमें फेस करने पड़ते हैं। दे आर वेरी कॉमन। ठीक है, ये जो डिजीजेज हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं किडनी के, ये बहुत कॉमन है मोस्टली लोगों में। नॉर्मल ये आपको सुनने में भी मिलते हैं कि किडनी में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। और जो सबसे पहला मेजर जो है इस पे डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज किडनी स्टोन्स। कि किडनी के अंदर जो है वो छोटे छोटे स्टोन्स, वेरी माइन्यूट स्टोन्स जो है वो बन जाते हैं और दे आर वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। और अक्सर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वाला प्रॉब्लम होता है कि उनको किडनी का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वजह क्या होती है, इसकी जो मेन रीज़न क्या है कि बच्चे एडिक्वेट वाटर नहीं ले रहे होते। सारा दिन अगर स्कूल में हैं तो पानी नहीं पीते, ध्यान नहीं देते इस तरफ। तो ड्यू टू द लेस इनटेक ऑफ वाटर जो है ये किडनी में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड देन दे कॉज वेरी पेन इन द किडनी। ठीक है, और किडनी की पोजीशन है हमें पता है कि वो बिल्कुल बैक बोन पर है, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर मौजूद है। तो जब किडनी में पेन होगा तो कमर की तरफ, पीछे की तरफ बहुत शदीद सीवियर पेन जो है ना वो हो रहा होता है पेशेंट को। ठीक है, अब इसकी हम देखते हैं कि व्हाट इज अ, ये तो मैंने एक ब्रीफ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले क्या है, इसकी जो कॉज है वो क्या है। कॉजेज वैसे बेसिकली नीचे आ रही हैं। और स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव कीज बुक्स विद यू, तो उसमें ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रॉपर उनकी हेडिंग्स बनी हुई होती हैं, है ना। तो आप जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो प्रॉपर हेडिंग के साथ इसके सिम्टम्स, जहाँ सिम्टम्स आए वहाँ सिम्टम की हेडिंग लगा दें, जहाँ कॉजेज आए वहाँ पे कॉजेज की हेडिंग लगा दें। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट में क्या हो रहा है कि किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है कि जो यूरिन है हमारा वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाए। कंसनट्रेटेड मीन्स उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। यानी कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी यूरिन में तो यूरिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। और सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। वो कह रहे हैं कि अगर यूरिन के अंदर वाटर कम हो और वाटर की बजाय इस तरह के क्रिस्टल्स हों तो उन वो जो हैं वो क्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ साइज में बड़े हो रहे होते हैं, और जब ये साइज में बड़े हो जाते हैं स्टोन्स तो दे कैन नॉट पास थ्रू द किडनी, वो किडनी में से गुजर नहीं पाते और वहीं पर अटक जाते हैं कहीं ना किडनी के अंदर। बेशक किडनी के मेन पार्ट में वो डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाए या यूरिटर के किसी हिस्से में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो जहाँ पर भी वो डिपॉजिट होना शुरू होंगे वहाँ के जो मसल्स हैं वह उनके साथ ये चिपक जाते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे पेन करेंगे क्योंकि उनकी शेप जो है वो स्टोन्स ऐसे नहीं होगा कि जो नॉर्मल स्टोन्स हैं, बल्कि इनकी शेप जो है वो ऐसे पत्थर होंगे जिनके इर्द गिर्द बारीक बारीक स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, कांटे से।
मतलब नुकीले पत्थर जिसे आप समझ लो, तो ये नुकीले पत्थर हमारे मसल्स में अटक जाते हैं एंड दे कॉज पेन. ठीक है. मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, सम में ट्रेवल टू यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर. और जब ये स्टोन्स बनना शुरू होते हैं तो कुछ तो किडनी में ही रहते हैं, लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता यूरिन के साथ फ्लो करते हैं बाय द टाइम, और किडनी से आगे जो हमारी ट्यूब है वहां पे आ जाते हैं, या समटाइम्स वहां से फ्लो करके यूरिनरी ब्लैडर तक भी पहुंच जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो है वो पेन कॉज कर रहे होते हैं. जी समझ आई है स्टूडेंट्स आपको, व्हाट इज द कॉज ऑफ किडनी स्टोन? यस मैम. जी तो इसकी मेजर वैसे कॉज क्या आपको फिलहाल नजर आई, ड्यू टू द लेस इनटेक ऑफ जी वाटर? जी लेस. हाँ, अगर पानी कम पिएंगे तो उससे क्या होगा, यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा और भी कुछ डाइट आपकी, अगर डाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो तब भी किडनी स्टोन बनते हैं. उसमें ज्यादा जो कॉजेज में अब आ गया कि एज वाइज भी होता है कि आपकी अगर एज ज्यादा हो रही है तो किडनी जो हम सलसल काम करते जा रहे हैं तो एक स्टेज आती है कि उसके अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं. ऐसे ही समझ लें आप कि जैसे घर में अक्सर फिल्टर लगे होते हैं, वाटर फिल्टर्स, तो हमें आफ्टर 3-4 months उनको चेंज करवाना पड़ता है ना. यस मिस. हाँ, तो जो किडनी है वो एक्चुअली हमारा फिल्टर है ना, हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहा होता है, तो ब्लड की सफाई के दौरान ये गंदे होना शुरू हो जाते हैं, तो बाय द टाइम स्टोन्स उसमें बनना शुरू हो जाते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक वगैरह, इसमें मतलब पालक खाएं अगर उसकी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई तो कुछ डर्ट पार्टिकल्स बॉडी में ऐड हो रहे हैं, इसमें ये होते हैं. इसके अलावा सॉल्ट्स, विटामिन सी एंड डी, अगर आपकी डाइट में ये ज्यादा है उससे भी ये किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं. टोमेटो में ज्यादा होते हैं, टमाटर जो लोग खा रहे होते हैं उसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ना टमाटर में भी, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बन रहे होते हैं. इसके अलावा रिक्यूरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है पूरा जो रास्ता है पूरा किडनी से लेके यूरिथ्रा तक, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर दे, कोई वायरस उसके ऊपर अटैक कर दे, तब भी किडनी स्टोन्स बन जाते हैं. लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी किडनी स्टोन्स बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है. अच्छा जी, सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स वही मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है पेशेंट को इन द लोअर एब्डोमेन. लोअर एब्डोमेन मींस पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि हम इनकी जो पोजीशन है वो वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पर है, बैक पर, बैक बोन, मतलब जिसको पेन होती है उसे पीछे बैक बोन में बहुत शदीद पेन महसूस होती है. तो लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे वाला हिस्सा, और इसके अलावा पेन होगी, वॉमिटिंग महसूस होती है, हो भी जाती है वॉमिटिंग कुछ पेशेंट्स को, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है यूरिन आ रहा होता है, और यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल भी होती है. जब वो यूरिन पास करता है पेशेंट तो वो बहुत ज्यादा स्मेली होता है. क्यों स्मेली होता है? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से यूरिन के अंदर पस प्रोड्यूस हो रही होती है. पस क्या चीज होती है, आइडिया है कुछ आपको? व्हाट इज पस? हाँ जी, व्हाइट ब्लड सेल्स. डेड होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स तो हैं, बट डेड व्हाइट ब्लड सेल्स. जी, जो व्हाइट ब्लड सेल डेड हो जाते हैं ना इन्फेक्शन के खिलाफ वो करने में, फाइट करने में, वो डेड हो जाते हैं, दे बिकम पस, और वो पस जो है वो यूरिन के साथ जब निकलती है तो उससे यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल आ जाती है. ठीक है. अबाउट 90% ऑफ किडनी स्टोन्स, अब वो कह रहे हैं बहुत से किडनी स्टोन्स ऐसे हैं जो कि यूरिन जब पास करते हैं ना तो उसके साथ ही जो है वो पास आउट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट साइज के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. तो पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप पानी ज्यादा लें, बार बार पानी पिए, तो वो बार बार पानी पीने से यूरिन भी उतना ही आएगा ऑस्मोरेगुलेशन की वजह से, तो उस पर पास हो जाते हैं. लेकिन अगर इनका साइज बड़ा हो जाए समटाइम्स, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. ये जो पैराग्राफ है ये किस इस पे क्या हेडिंग आ जाएगी, ट्रीटमेंट की, यहाँ पे ट्रीटमेंट शो हो रहा है. सर्जिकल ट्रीटमेंट मीन्स, सर्जिकल ट्रीटमेंट मीन्स किडनी के जिस पार्ट में स्टोन्स मौजूद हैं फिर उसको कट करके ओपन किया जाता है और वहां से रिमूव किया जाता है, और द अफेक्ट एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड. और एक और आजकल जो मॉडर्न टेक्निक चल रही है वो क्या है, लिथोट्रिप्सी. क्या नाम है फातिमा इसका? लिथोट्रिप्सी. जी, लिथोट्रिप्सी जो है वो समझ लें एक तरह से लेजर ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं. आजकल की मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो लाइट वेव्स है ना, लाइट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, वो जो है वो दिए जाते हैं.
is another method for the removal of kidney stone. In this method, non-electrical shock waves from outside, मतलब कि waves आपको पता है high energy waves होंगी वो, जैसे कि laser की होती हैं, वो बाहर से मतलब body के ऊपर bombard की जाती हैं उस area पर जहाँ पर stone मौजूद है. तो जब ये high energy waves bombard की जाएंगी तो जो stones होंगे वो breakdown होना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे pieces में convert हो जाएंगे. And when they convert in small waves, hit the dense stones and break them. Stones become sand-like and are passed to the student. ठीक है, जब stones size में बड़े थे, जब उनको waves के through hit किया जाएगा, they will break down into smaller stones. और उसके बाद वो urine के through pass out हो जाएंगे. ठीक हुआ, इसमें क्या क्या बताया students, थोड़ा सा इसका recap कर लें. किडनी स्टोन्स के रीजंस क्या हैं, डाइट कैसी कैसी डाइट हम लेते हैं तो किडनी स्टोन्स होना शुरू हो जाते हैं किडनी के अंदर. वेजिटेबल सॉल्ट्स और विटामिन सी एंड डी. विटामिन जी, विटामिन सी एंड डी. अब कुछ लोग बहुत ज्यादा विटामिन सी लेते हैं, जो कि ये आजकल कैल्शियम हाई सी प्लस ले रहे हैं बहुत से लोग. अगर उसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, आजकल ले रहे हैं लोग के जी कोरोना वायरस है तो हमें एनर्जी ड्रिंक्स लेने चाहिए, तो विटामिन सी अगर ज्यादा लें तो उससे किडनी स्टोन्स के होने का भी प्रॉब्लम है. ये एक आपकी इंफॉर्मेशन है. ये बड़ी मैं रात को पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, देखें वो कितना ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फील्ड के अंदर. ये कौन रीड करेगा, ये जस्ट एक आपकी इंफॉर्मेशन है. इट कुड बी गिवन एज एमसीक्यूज इन योर पेपर. हसन, आप रीड करोगे इसे? ओके मैम जी. Abu Nasser al-Farabi was a prominent scientist who wrote many books that contained information about kidney diseases. The genius Abu al-Qasim al-Zahrawi is considered to be Islam's greatest surgeon, who invented many surgical procedures including the surgical removal of stones from the urinary bladder. His encyclopedia Al-Tasrif contained over 200 surgical medical instruments he personally designed. He personally, यानी कि ये जो second वाले जो हैं, इन्होंने अबुल कासिम ज़हरवी, इन्होंने surgical के जो tools हैं, उनको invent किया हुआ, मतलब उनको बना design किया हुआ उनको ना 200 से ज़्यादा. और time देखिए कितना पुराना है, कितनी पुरानी बात है ये. और इनकी जो इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया एक बनाई थी उसका नाम था अल तसरीफ. इस तरह की ना समटाइम्स एमसीक्यूज में आ जाती हैं इंफॉर्मेशन, तो ये आप साथ जरा इनको भी रीड कर लिया करें. यहाँ पर देखिए किडनी स्टोन दिखाया जा रहा है इस पेपर के अंदर. यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सा किडनी स्टोन है, लेकिन समटाइम्स किडनी स्टोन मूव करके इधर यूरिटर में भी आ जाता है, समटाइम्स यूरिथ्रा में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर सॉरी यूरिथ्रा से ऊपर ब्लेडर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. और यहाँ पर एक और आपको बात बताऊं कि मेल्स एंड फीमेल्स में थोड़ा ना फर्क है. हमारी ये जो बना हुआ है ना ये यूरिनरी ट्रैक्ट, जो मेल्स होते हैं उनका ब्लेडर के बाद ये जो यूरिथ्रा वाला पाइप है ये जरा लॉन्ग होता है, ठीक है, लंबा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. लॉन्ग भी होता है, बारीक भी होता है. तो अगर इनको किडनी स्टोन्स हों तो उनको यहाँ से किडनी स्टोन्स जब पास आउट होते हैं तो उन्हें फिर चूंकि तंग है पाइप तो उनको काफी पेनफुल लगता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. इसका मतलब है मेल्स के अंदर अगर किडनी स्टोन्स होंगे तो उनको पेन्स का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका यूरिथ्रा वाला पाइप बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. फीमेल्स का जो यूरिथ्रा वाला पाइप होता है वो छोटा सा होता है और वाइड होता है, इतना टाइट वो तंग नहीं होता बल्कि खुला होता है. तो फीमेल्स में पेन्स का चांस कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स. ये मैंने ऐसी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है. चले जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किडनी और रेनल फेलियर. किडनी का मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में किडनी को हम रीनल टर्म है उससे नॉमिनेट करते हैं. सो रीनल फेलियर मीन्स किडनी जो है वो फेल हो जाए. अब ऊपर का जो प्रॉब्लम था इसमें क्या था कि किडनी काम कर रही है लेकिन काम करने के साथ साथ थोड़े से इसके अंदर स्टोन्स बन रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस. लेकिन किडनी फेलियर का तो मतलब ये होगा कि किडनी बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे. यही मतलब नजर आता है ना हमें इसका, कि किडनी जो है वो काम ही नहीं कर रही. अब किडनी फेलियर में क्या होगा जी, अब किडनी फेलियर में क्या होगा? किडनी फेलियर मींस कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन. यानी कि इसके जो नेफ्रॉन्स हैं वो या तो कम्प्लीटली तौर पे काम करना छोड़ देंगे या फिर पार्शियल, कुछ काम कर रहे होंगे कुछ नहीं. जितनी बॉडी को जरूरत है कि उसका ब्लड फिल्टर हो उतना नहीं हो पा रहा होगा.
और इसकी reasons क्या है? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus एक disease है. Normal language में इसको बोलते हैं sugar. ठीक है, जिन patients को sugar होती है उसका ये medical नाम है diabetes mellitus. उनमें ये problem हो जाता है. या फिर hypertension, अगर बहुत ज्यादा कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई सदमा लगा है आपको, या कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, हर वक्त छोटी छोटी बात की टेंशन लेते हैं, उनमें भी किडनी फेलियर का चांस ज्यादा होता है. इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोज, समटाइम्स ब्लड की जो सप्लाई है किडनी को वो ना मिल पाए, या कोई आप ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है. दीज आर सम रीजंस कि किडनी फेलियर क्यों होता है. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज द हाई लेवल ऑफ यूरिया, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें यूरिया की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि किडनी अपना काम जो नहीं कर रही तो यूरिया ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, वो बॉडी से बाहर निकल ही नहीं रहा. एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड, जाहिर बात है किडनी ने काम ही करना है, ब्लड को फिल्टर करना है और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है विद द यूरिन. लेकिन अगर किडनी काम नहीं कर रही तो यूरिया भी ज्यादा हो जाएगा बॉडी में और ब्लड जो है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी ज्यादा हो जाएगा, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, नौजिया. वॉमिटिंग तो होता है, वॉमिटिंग हो गई. नौजिया में क्या होता है कि वॉमिटिंग नहीं हो रही, बस वैसे दिल मतला रहा है, और वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार पेशेंट को वॉशरूम जाना पड़ता है और इट इज वेरी हेक्टिक. जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है उन्हें हर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट वॉशरूम जाना होता है, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, उनकी बॉडी एनर्जी लूज हो रही होती है. एंड ब्लड इन द यूरिन, यूरिन में ब्लड भी पास आउट होता है, यानी कि ब्लड एज इट इज नेफ्रॉन में आया, और आपको पता है नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में सबसे पहले ब्लड आता है प्रेशर फ्लो के थ्रू, तो इतना मतलब किडनी ने काम करना छोड़ दिया है कि ब्लड एज इट इज जो है वो आगे पास आउट हो रहा है यूरिन में, उसमें मतलब फिल्ट्रेशन का काम ही नहीं हो रहा, ब्लड एज इट इज यूरिन में पास हो रहा है. एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में कॉज, अब जारी बात है जब बॉडी के अंदर यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो गया और पानी भी प्रॉपरली बाहर नहीं जा रहा, इसके अलावा ब्लड के अंदर वेस्ट भी है जो कि बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और यूरिन की फॉर्म में पास नहीं हो रहे, तो उससे क्या होगा कि बॉडी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, टांगों में भी, पैरों में स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला होगा कि ब्रेथ जो है वो छोटा हो जाएगा, फुल के पेशेंट सांस नहीं लेगा. दीज आर द सम सिम्टम्स, यहाँ पे सिम्टम्स की हेडिंग लग, किडनी फेलियर इज ट्रीटेड. अब इसके लिए दो ट्रीटमेंट्स हैं. फर्स्ट आगे दो टाइप्स हैं बेसिकली. इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है डायलिसिस. डायलिसिस के आगे से टू टाइप्स, डायलिसिस मीन्स द, अब ये डायलिसिस बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड को साफ करने का. किडनी अब अगर काम करना छोड़ देगी तो जाहिर बात है फिर कोई ना कोई आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा. इट इज अ क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे. देर आर टू मेथड्स जी. सबसे पहले दो मेथड्स हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा होगा हेमोडायलिसिस. ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस जो है उसकी ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ. इसमें होगा क्या, पेरिटोनियल डायलिसिस का वो जो वर्ड है ये निकला है पेरिटोनियम से. कुछ आइडिया है व्हाट इज पेरिटोनियम? ये वर्ड कभी सुना है? हमारी बॉडी में मौजूद होता है पेरिटोनियम. नो मैम. जी हसन, आपने पेरिटोनियम वर्ड कभी? हमारे बॉडी के अंदर होता है बैली में, एब्डोमिनल पॉइंट पर होता है. हसन कैन यू हियर मी? हसन हसन तो मुझे लग रहा है ही नहीं यहाँ पे. हसन है लेकिन ही कैन नॉट हियर मी. जी चले, अच्छा चले मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज पेरिटोनियम. पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है जो कि हमारे एब्डोमेन में मौजूद है, और एब्डोमेन में हमारे जितना भी गट एरिया है, गट एरिया मींस जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारे का सारा एक थैले के अंदर अल्लाह ताला ने उसको पैक किया हुआ है, एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया हुआ है. वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज नोन एज पेरिटोनियम. ठीक है, अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा कि पेरिटोनियम के नीचे, पेरिटोनियम तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना जिसमें सारा गट एरिया, गट ऑर्गन्स मौजूद हैं,
तो अब उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस मौजूद होती है, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी. कैविटी आपको पता है इसका मतलब है स्पेस. तो वहां पे जो थोड़ी सी खाली जगह मौजूद है वहां पर हम एक क्या करते हैं, बैग रख देते हैं आर्टिफिशियली तौर पे, जिसके अंदर हम फ्लूइड डालते हैं. मैं आपको ये दिखाती हूँ पिक्चर, ये देखें, ये बॉडी का पार्ट है जिसमें एब्डोमेन है, ये बेसिकली ये वाला देखें पेट का हिस्सा नजर आ रहा है. फातिमा समझ आ रहा है ये कौन सा पार्ट है? ये बेली है, ठीक है, बेली है. और ये जो येलो कलर में आपको दिखा रहे हैं लाइनिंग, दिस इज पेरिटोनियम. तो बेली के अंदर जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा पैक हुआ हुआ होता है. और यहाँ पर आप देखो ये जो ये पेरिटोनियल कैविटी, ये नीचे नजर आ रही है, ठीक है. अब यहाँ पर अब हम आर्टिफिशियल तरीके से ये देखें आप, ये दिस इज डायलिसिस फ्लूइड. ये वो फ्लूइड है, वो मेडिसिन है फ्लूइड की फॉर्म में जो कि ब्लड को साफ करेगी. वैसे तो किडनी का काम है लेकिन किडनी चूंकि काम नहीं कर रही, तो हम एक आर्टिफिशियल तरीके से ये सारी मेडिसिन हम एक ट्यूब के थ्रू ये डायलिसिस फ्लूइड जो है एक ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियम में एंटर करेंगे, ठीक है. अब पेरिटोनियम की जो ये झिल्ली जो है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं. तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर होंगे तो वो क्या करेंगे, डायलिसिस फ्लूइड चूंकि यहाँ पे मौजूद है तो जितना भी ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है. तो डायलिसिस फ्लूइड सारा गंद जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा थ्रू डिफ्यूजन ब्लड से. और जितना भी वो जो फ्लूइड है जब दोबारा ये सारा ब्लड से मटेरियल ले लेगा जो कि वेस्ट है, वो फिर हम वापस रिकलेक्ट कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे. ये देखिए ड्रेन करके दूसरा एक बैग होगा बाहर बॉडी के रखा होगा जिसमें सारा गंदा जो मटेरियल है वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब ये देखें इसको इन्होंने ये पेरिटोनियल को बड़ा करके दिखाया हुआ है, पेरिटोनियल की लाइनिंग को दिखाया हुआ है कि पेरिटोनियल क्या है. वेस्ट मटेरियल मूविंग इस तरह, ये ब्लड वेसल्स हैं रेड कलर में जो शो हो रही हैं, और ये वेस्ट मटेरियल है मूव हो रही, यानी कि ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन हो रही है. जो ब्लड वेस्ट मटेरियल है वो सारे का सारा पेरिटोनियल फ्लूइड में मूव कर रहा है. ये ब्लू कलर का पेरिटोनियल फ्लूइड है, बेसिकली ये क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है, डायलिसेट भी बोलते हैं इसे. और ये वो मेडिसिन है जो कि ब्लड को साफ करने के लिए हमने बेली के अंदर इस जगह पर भरती है, ठीक है. अब यहाँ से पेरिटोनियल्स से ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से सारे का सारा डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट मटीरियल डायलिसेट में आ रहा है, ठीक है, कलेक्ट हो रहा है. और जब हमारे बेली में एक टाइम के लिए जैसे 2-3 घंटे के लिए प्रोसीजर होता रहेगा, डिफ्यूजन के थ्रू सारा ब्लड जो है वो साफ हो जाएगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज सेमी परमीएबल मीन्स छोटे छोटे जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर से पास आउट करवा लेगी, लेकिन ब्लड की जो प्रोटीन है, ब्लड के जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं उनको पास नहीं करवाएगी, वो तो ब्लड में ही रह जाएंगे. लेकिन जो वेस्ट है, हाँ, जो वेस्ट है वो सारा के सारा इधर आ जाएगा. अब जब वो सब वेस्ट पेट में ऐसे भर जाएगा बैली में, तो फिर उसको बाहर की तरफ पंप आउट कर लिया जाएगा, ड्रेन करवा दिया जाएगा गंद सारा, ठीक है. तो इस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस हो जाएगा. मैं दोबारा देखू, हसन कैन यू हेयर मी बेटा? Yes, ma'am. बेटा पहले मैं आपको जी क्या मैंने बताया, व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस, इस फिगर के थ्रू आप थोड़ा सा करोगे इसको एक्सप्लेन, हो क्या रहा है इस फिगर में पेरिटोनियल डायलिसिस? आप मुझे लग रहा है थे ही नहीं यहाँ पे, मैंने आपको काफी बुलाया कि थोड़ा सा मुझे कुछ क्वेश्चन में कर रही थी और आपने उसको सुना ही नहीं. वॉशरूम में था मैम. Very good. ये online classes के ये बड़े फायदे हैं, इसलिए कि आप अपनी स्क्रीन शेयर किया करो ना बेटा, थोड़ा सा तो टाइम होता है क्लास का, इसके बाद 20 मिनट्स आपके पास एक ब्रेक मिलता तो है आपको. बेटा मुझे ये बात है कि देखें हम लोगों को भी बहुत से इश्यूज हैं ऑनलाइन क्लास लेने में, हमें भी प्रॉब्लम है, वो चीज नहीं हम कन्वे कर पा रहे जो कि करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट करते हैं. तो फिर आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपना कोऑपरेशन शो करें ताकि हमें लगे कि टाइम जो है वो हम कुछ यूजफुल और तरीके से गुजर रहा है टाइम, आपको फायदा हो रहा है इस चीज का. अच्छा जी, पेरिटोनियल डायलिसिस में फातिमा इसको रीड करो, वैसे मैंने पिक्चर तो क्लियर किया, इसको रीड करें, इफ देयर इज समथिंग न्यू तो वो भी क्लियर हो जाए.
In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped from a tank into the potential cavity, which is the space ground gut. This cavity is lined by peritoneum. Peritoneum contains blood vessels. When we place dialysis fluid in the peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessels diffuse into the dialysis fluid, which is then drained out. This type of dialysis can be performed at home, but must be done every day. इसमें हो क्या रहा है? मैंने आपको बताया कि जो हमारा गट के जितने भी ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन में, जितना भी जो गट एरिया है, वो सारे का सारा पैक हुआ है एक मेम्ब्रेन के अंदर. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिटोनियम, और उसके नीचे थोड़ा सा फ्री स्पेस भी होता है, पेरिटोनियल कैविटी मौजूद है. तो हम क्या करेंगे कि हम आर्टिफिशियल तरीके से, ये देखिए एक बैग है, डायलिसिस फ्लूड है इस बैग के अंदर, वो फ्लूड जो कि डायलिसेट कहलाता है, और ये फ्लूड क्या करेगा, ब्लड को क्लीन करने का काम करेगा. इस फ्लूड को हम ट्यूब के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे इस पेरिटोनियल एरिया में, और यहाँ पर पेरिटोनियम की जो ये मेम्ब्रेन, दिस इज, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड की यहाँ पर सप्लाई है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे. तो जो डायलिसिस फ्लूड है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. तो ब्लड जो है वो क्लीन होता जाएगा, और फिर डायलिसिस फ्लूड जो कि जिसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड और आयंस वगैरह जो भी उसने एब्जॉर्ब किए हैं वेस्ट, वो सारे के सारे फिर हम उसको बाहर की तरफ ड्रेन कर देंगे, ठीक है. तो दिस इज एन आर्टिफिशियल मेथड, और ये मेथड कह रहे हैं कि घर में भी किया जा सकता है, और फिर डेली उसको मस्ट बी डन एवरी डे. घर में भी जो पेशेंट्स हैं वो, उनको ये बैग्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उनको मेथड समझा दिया जाता है, तो वो घर में भी ये जो प्रोसीजर है ये कर लेते हैं, ठीक है. इसका ये फायदा है पेरिटोनियल डायलिसिस का. इसके बाद आ गया नेक्स्ट हेमोडायलिसिस. हेमो मीन्स ब्लड, हेमोडायलिसिस. अब इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड है पूरे का पूरा, ये आप देख सकते हो ट्यूबिंग सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पर डायलाइजर ट्यूब्स हैं, और नीचे फ्रेश डायलिसिस लिक्विड है, और दूसरी तरफ यूज्ड डायलिसिस. ये पूरा एक इन्होंने सेटअप दिखाया आपको. इसमें हो क्या रहा है, पेशेंट का जो ब्लड है वो एक साइड से निकाला जाता है और उसको डाल दिया जाता है इस डायलाइजर मशीन के अंदर, ठीक है. अब इसके अंदर डिफरेंट ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में क्या चीज पास हो रही है, आप यहाँ से देखो, इन ट्यूब्स में हम पास करवा रहे हैं डायलिसिस फ्लूड, डायलिसेट भी बोलते हैं इसे, वो फ्लूड हम इन ट्यूब्स में पास करवा रहे हैं. ये ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है, ट्यूब्स जो है वो इस तरह की हैं कि दे आर सेमी परमीएबल. इसका मतलब है कि जो पेशेंट का ब्लड है जो इन ट्यूब इधर आ रहा है मशीन के अंदर, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है सारा वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जो प्रोटीन्स हैं ब्लड की, और इसके अलावा कुछ और सॉल्ट्स हैं जो कि साइज में बड़े हैं, वो इस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं होंगे, वो वापस ब्लड में हमने भेजने हैं, इसलिए वो यहीं पे रुके रहेंगे. लेकिन जो वेस्ट है वो सारे का सारा डायलिसेट फ्लूड में जमा होता रहेगा. ये देखें, और ये जो जितना भी यूज्ड डायलिसेट है जिसके अंदर वेस्ट मटीरियल है, वो सारे का सारा इस जार के अंदर कलेक्ट हो रहा है. यानी कि किडनी के अंदर जो काम होना था, बेसिकली हम वो किडनी के बाहर करवा रहे हैं थ्रू मशीन्स, ठीक है जी. आसान, अब बताएंगे मैंने क्या बताया आपको, हेमोडायलिसिस में क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. मैम ब्लड जो है मैम वो डायलाइजर ट्यूब्स में जाता है मैम, जो फ्लूइड और यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड होते हैं मैम वो नीचे जार्स के अंदर आ जाते हैं. यूज्ड कैसे हो रहा है, ये यूज्ड कैसे हो रहा है, पहले उसके साथ क्या प्रोसीजर हो रहा है. फ्रेश हम डायलिसेट जिसमें डाल रहे हैं मशीन के अंदर, तो फ्रेश डायलिसेट क्या काम करेगा, ब्लड के साथ क्या करेगा, वो ब्लड को फिल्टर करेगा. यस जी, वो ब्लड को फिल्टर करेगा थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में इन ट्यूब्स में ना सेमी परमीएबल ट्यूब्स हैं, तो उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे का सारा डायलिसेट में आना शुरू हो जाएगा, और जो डायलिसेट है वो हम दोबारा यहाँ पर रिकलेक्ट कर लेंगे. ये वो डायलिसेट है जो कि अब इसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल मौजूद है, ठीक है, और फ्रेश हम यहाँ से ऐड करते रहेंगे, साइकिल चलता रहेगा. और जो ब्लड साफ हो चुका है वो नीचे ट्यूब के थ्रू दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करवाते रहेंगे.
इस काम के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है और इट डिपेंड्स पेशेंट की हेल्थ पे डिपेंड करता है. समटाइम्स हफ्ते में एक दफा करवाओ, लेकिन समटाइम्स वीकली टू टाइम्स भी ये प्रोसीजर करवाना पड़ता है. जी आसान, इसको रीड कर लें इन लाइंस को, इन हेमोडायलिसिस. Yes, beta, time is short. Hassan? Yes, ma'am. In hemodialysis, patient's blood is pumped through an apparatus called dialyzer. The dialyzer contains long tubes, the walls of which act as semi-permeable membranes. Mm. Blood flows through the tubes while the dialysis fluid flows around the tube. Extra water and grains move from blood into the dialysis fluid. The clean blood is then return back to body. The hemodialysis treatments are typically given in dialysis centers. जी, ये कह रहे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और जो साफ ब्लड है वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है बॉडी को, और जो गंदा फ्लूइड वो है, सारा जो वेस्ट है वो सारे का सारा डायलिसेट में कलेक्ट हो जाता है और उसको साइड पर दूसरे जार में कलेक्ट कर लिया जाता है. क्लियर हुआ है फातिमा आपको ये ट्रीटमेंट हेमोडायलिसिस? जी, हेमोडायलिसिस का हो गया. बस लास्ट टॉपिक आपका रह गया है, टाइम भी खत्म होने वाला है, जल्दी से इसको भी देखें. किडनी ट्रांसप्लांट, ये नाम से पता चल रहा है कि पूरी की पूरी किडनी को बॉडी से चेंज करके उसकी जगह पर बिल्कुल ठीक वाली किडनी को रख दिया जाता है बॉडी के अंदर. ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि खराब चीज को निकाल दें और उसी जगह पर रिप्लेस कर दें सही वाला ऑर्गन, ठीक है. बट दिस इज द लास्ट फाइनल, मतलब कि आप समझ लो कि लास्ट ट्रीटमेंट है, और ये तब किया जा रहा है जब डायलिसिस वाला का भी काम जो है वो नहीं बचता. मतलब पेशेंट को इसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट है ये करवाना पड़ता है, लेकिन इट्स वेरी इतना कॉमन नहीं है अभी पाकिस्तान में, और इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है. तो सर्जरी करवाना पड़ता है? जी हाँ जी, अगर डायलिसिस स्टार्ट हो जाए, जी बिल्कुल, अगर डायलिसिस पे पेशेंट आ जाए तो फिर उसको जब तक वो जिंदा है तब तक हर मतलब मंथ में टू टाइम्स थ्री टाइम्स डायलिसिस करवाना पड़ता है. और डायलिसिस इट्स नॉट एन इजी टास्क, इसमें पेशेंट को पेन भी महसूस होती है. ऑब्वियसली देखो ना, ब्लड निकल रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ऐड हो रहा है, तो ब्लड की जो सर्कुलेशन जो कि सिर्फ बॉडी के अंदर ही होनी थी, अब वो सर्कुलेशन बाहर निकल रही है, मशीन में जा रही है, तो पेशेंट को इसमें मतलब बहुत अनइजी महसूस होता है, पेशेंट को पेनफुल होता है. कोशिश की जाती है कि पेशेंट डायलिसिस पे ना ही जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है फिर उन्हें करवाना पड़ता है ये ट्रीटमेंट, और ये सारी उम्र रहता है. हाँ, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हो तो अलग बात है, बट इट्स आल्सो वेरी टफ. किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो भी जरा मुश्किल काम है, अभी इतना कॉमन नहीं है ये ट्रीटमेंट, ठीक है. किडनी में भी नीड्स टू रिपीटेड आफ्टर एवरी, वो कह रहे कि डायलिसिस को वो रिपीट करवाना पड़ता है ना हर कुछ दिनों बाद, एंड इट इज अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट. देखिए पेशेंट के लिए वो बड़ा तकलीफ दे काम है डायलिसिस. अनदर ट्रीटमेंट फॉर द तकलीफ दे इसलिए कि चार चार पाँच पाँच घंटे मुसलसल मशीन के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं इट्स नॉट गुड, मजबूरी है. अनदर ट्रीटमेंट जो है वो क्या है किडनी फेलियर की, इट्स अ ट्रांसप्लांटेशन, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर. अब इसके लिए एक डोनर जो होगा वो अपनी किडनी, आपको पता है किडनीज मोस्टली डोनेट कर दी जाती हैं, हमारी बॉडी में टू किडनीज हैं, अगर एक हम डोनेट भी कर देते हैं तो दूसरी किडनी से हम अपना जो है वो काम चला सकते हैं. बस उसके लिए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आप बहुत तेज तेज भागो नहीं, इस तरह की कुछ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ना करें, इस तरह के कुछ आपको फिर करने पड़ते हैं. किडनी में भी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर, वो कह रहे हैं कि जो किडनी है वो जो है लिविंग डोनर भी दे सकता है. समटाइम्स ऐसा डोनर जिसने मर जाना है वो भी जाते हुए कहता है मेरी किडनी आप निकाल लीजिएगा. द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट बिफोर ट्रांसप्लांट, द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ द डोनर, मतलब कंपेटिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है कि ब्लड मैच करना चाहिए और टिश्यू प्रोटीन्स, बॉडी के जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो डोनर और पेशेंट के मैच होने चाहिए. अगर ये मैच ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा. द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम. इसमें क्या होगा कि जो डोनर का जो जो पेशेंट्स की जो बॉडी है वो कनेक्ट कर दी जाती है पेशेंट्स. हेलो, टाइम शॉर्ट हो गया है. द एवरेज लाइफ टाइम ओवर डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 years, 10 से 15 साल तक का ये टाइम होता है. व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स
द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट इन दिस सिचुएशन, यानी कि इस इतने अरसे के बाद अगर दोबारा जरूरत पड़े तो किडनी एक और ट्रांसप्लांट हो जाती है. इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट, मतलब जो दरमियानी वक्फा है जिसमें ट्रांसप्लांट होना है उसमें दोबारा से डायलिसिस पर डाल दिया जाता है. प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन्फेक्शन, यानी कि अगर बॉडी की किडनी जो है वो मैच नहीं की, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई प्रोटीन्स टिश्यू में, तो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा. इम्बेलेंस इन बॉडी सॉल्ट्स विच कैन लीड टू द बोन प्रॉब्लम्स एंड अल्सर. ये देखिए ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अगर डॉक्टर्स ने प्रॉपर मैच नहीं किया पेशेंट और डोनर की किडनी टिश्यूज को. ठीक है, तो बोन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और अल्सर. अल्सर क्या होता है, ये स्टमक का इशू है, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और जख्म बन जाते हैं अल्सर की वजह से. अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक टोटली लर्निंग बेस्ड है, बट कल की भी आपने डायग्राम नहीं भेजी, इसका क्या मतलब है? मैं आपके वहाँ पे मार्क्स कम कर दूं, कट कर दूं? आपने तो मुझे कोई डायग्राम नहीं भेजी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की तो बेटा नहीं भेजी ना. अच्छा मेरे यहाँ पर्सनल नंबर पे भेजना आपने स्टूडेंट्स, अब ग्रुप में नहीं भेजना आपने होमवर्क. ओके मैम. अच्छा अब ये दोनों जो डायलिसिस की पिक्चर्स है ना, ये प्रोसीजर्स है, इनको आपने ड्रॉ करके भेजना, जरूरी नहीं एज इट इज भेजें, बस सिंपल यहाँ पे आप अगर राउंड सर्कल भी बना देंगे पता चल जाएगा एब्डोमेन है. ठीक है ठीक है. और इसी तरह से अगर बॉडी पेशेंट या लेटा हुआ तो जस्ट यहाँ पे हल्का सा एक वो आर्म बना दें, बाजू बना दें बस, तो आगे ये ट्यूबिंग सिस्टम शो करना आपने. दोनों आपने भेजने हैं और कल इंशाल्लाह आई विल टेक अ लिटिल क्विज ऑफ यू, क्विज ले लूंगी कल आपसे, शॉर्ट क्वेश्चंस सुनूंगी आपसे. ठीक है जी. कहां तक आज का टॉपिक किडनी वाला, पूरा टॉपिक किडनी वाला फुल टॉपिक बता दें आप इजी कितने में है, मैं उतना ही सुन लूंगी बेटा. मैं तो चाहती हूँ आप पढ़ लें, खुश रह के पढ़ लें. कितना पढ़ना चाह रहे हैं? डिसऑर्डर का लूं बस कल. चले ठीक है, कल सिर्फ ओनली डिसऑर्डर्स का क्विज हो जाएगा. ठीक है जी. और क्विज का पहला रिजल्ट देखा था आप दोनों स्टूडेंट्स से? मैंने उसको ग्रुप में भेजा था क्विज के रिजल्ट को, देख लिया था. फातिमा आपने देखा था? चले ठीक है. ओके बेटा, सेंड योर ड्रॉइंग्स टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर. Okay, thank you. Okay. Allah Hafiz.